हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। तो पिला माने समस्ते किपर अछ, आशा करछु समस्ते बहुत भल रे थिबो। तो आज रही शानदार क्लास रे तुम इंग्लिश रो नॉन डिटेल बुक रो गोटे चैप्टर अछि जा नाम होछि द वेगर। एही वेगर जो इंग्लिश स्टोरी पाठडी अछि पिला माने आको आमे पूरा लाइन वाइज पूरा इंग्लिश टू ओडिया को ट्रांसलेट करके आको आमे डिस्कस करबा। एतिकी गारंटी कहूछि आमे जहाँ पढ़ा तुम मैंने भलसे बुझीपार तार आंसर जाक मत तुम आराम से लिखिपार। ठीक अच्छे, यही पाठ जो पाठटा पे जो अच्छी जो द बेगर रिलेटेड अटे एटे कौन हो रशिया गोटे घटना कथा कह जाए। कौन घटना अच्छी ना गोटे भिकारी अच्छी, से भिकारी जनक जनक घर को जा मिस्टर सजे घर को जाए कि जे आडभकेट अटंती घर को भिक्षा वृत्ति करने जा जमी भिक्षा मागिच कि पैसा मागिचे तो सर्जे देखुं से भिकार रूप कौ प्रकार अच्छी, से कौ प्रकार छिंडा पोशाक पिंधि, कौ प्रकार गोटे जोता जो पिंधि जो जोतार आकार तार पाद ठार बड़ अटे, ता सहित से किपर मद पीकर अच्छी, यह सब जिनस मिस्टर सर्जे जी आडभकेट अटंती से देखुं। देखु देखु हटात मन पड़गला जे भिकारी को किसी दिन ते गोटे जगार देखी जोठारे कि भिकार जनक निजक निजे गोटे स्टूडेंट बोली कहूला आकु क्लास रु स्कूल बाहर करदे कि ए जो ये जो भिक मागे आसी कौन कौन ना सी गोटे स्कूल टीचर अटे आउ कि रिजन जो कि लोक मान कुचक्रांत जो स्कूल रु बाहर कर दी जाए से सी भिक्षा वृत्ति करके निज जीविका निर्वाह करा दिं कि पैसा दिंतु बोले से मागे आसे कि जमी विषय सजय कथा मन पड़ जा गाड़ी करते कहीं तथा मुझे पुलिस धरदेवी तापर से ही चोर जनक डरी जा कहे मुझे जब मिछ कथा न कही बोले मत कहीं मत काम देवे ना मुझ चल किपर तो मिछ कह बाध्य होपर सर्जे कहे तू किसी कम करूनु कम पाई तो से भिकार जनक कहे मत कम मिलूनी बर्तमान समय स्किल्ड पर्सन मानक जो कम मिल पाऊनि मत बा कम दब किए तो मिश्र सर्जे कहे तुम्हें कम करू कि काठ आनीपरबू कि तो से भिकार जनक गर्वर सह हाँ मारदे कि तर एक्चुअली कम करने तो उद्देश्य ना कहीं से मद पी पी तार जो शरीर अच्छी पूरा दुर्बल पड़ जाता यापर मध्य से कम करा कम कला किसी दिन पर पाखे बहुत सारा पर देखाला आ मद पीला ना आ भल मनीषा तो भल मनीषा से कौन कर ना से जो सर्जे घर से चल जा बहुत दिन पर मिस्टर सर्जे को गोटे हल आगे मिशि से हल आगे बस जहाँ थिएटर भी कहुए थिएटर आगे देखा देखी आउ मिस्टर सर्जे मतलब देखिए बहुत खुशी होती कहीं से बर्तन गोटे बड़ चाकरी कर बड़ पोस्टर अच्छी भल दरा पापर मिस्टर सर्जे भावुन जो मो जो यही लोकर भाग्य परिवर्तन होगा जदि मुझे से दिन कम दे न था तो हूँ तो आज बड़ पोस्ट न था कि लोक जनक कहला जे तार पाखे जो परिवर्तन देखागला से जो मदुआ होता जो भिक्षा वृत्ति करते जो बर्तन जो चाकरी करके भल दरम पाक भल कंडीशन अच्छी तापाई प्रकृत में मिस्टर सर्जे जी कि आडभकेट थे से दायी नुहंती प्रकृत किए दायी किए से भिकारी को परिवर्तन करा से जो लगातार मद पीला भिक्षा वृत्ति करुला तार जो एक प्रकार जो मानसिकता थी समस्त जो मिछ कौला एक प्रकार जो मानसिकता थी ये मानसिक परिवर्तन होकर गोटे भल लोक हो पारा हवा पक्षर कारण कौन अटे ताको आम यही वीडियो रे डिस्कस करवा। ठीक अच्छे, तो चलो स्टार्ट करवा। देख द बेगर बिफोर यू रीड, तो पाठ को जीवा पूर्व किसी बेसिक जिनस आलोचना करवा। बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी, ये स्टोरी को आरंभ करने पूर्व टेक ए क्लोज लुक एट द टाइटल। टाइटल अच्छे कौन द बेगर, व्हाट डू यू थिंक द राइटर इज गोइंग टू टेल अस इन दिस स्टोरी। यही स्टोरी रे राइटर आमको कौन कह चेस्टा करब्वियसली भिकारी विषय आमको कह चेस्टा कर यू मस्ट हैव बीन बेगर्स एवरीवेयर इन आवर कंट्री, तुमने आम देशर चारिड़े भिकारी थार दृश्य देखि थो। वे डू यू फाइंड मोर बेगर्स, अच्छा कहले तुमने केउठरे अधिक भिकारी गुड़ देखा पाइब जदि मो कथ कह तेज मुझे जगह जो मुख्यतः जो मंदिर गुड़िक थी जो टेम्पल थाठे मुख्यतः अधिक भिकारी देखा जाती तुम एरिया क्यों जगार अधिक भिकारी तुम देखा पाच कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर। हाउ डू यू फिल, तुम्हें कौन फिल कर व्हेन यू कम एक्रॉस ए बेगर, जिते गोटे भिकारी सम्मुख में तुम आसुच तुम्हें कौन फिल कर बेगिंग एट योर डोर और ए बेगिंग और बेगर रिक्वेस्ट यू फॉर फॉर हेल्प, से जो भिकारी जनक तुमको तुम घर को आसिक भिक मगुव कि तुम्हारे किसी साहय अनुरोध कर समय तुम कौन अनुभव करें बहुत दुखी फिल कर
ইচ্ছা করছে সত্যিকারে ভিকারীটা ভিক না মাগু গোটে ভালো মানুষ হোক, কামধন্দা করে সে মধ্যে ভালসে চলু। ডু ইউ লাইক পিপুল টু বেগ? তুমি চাহুছ কি যে লোক মানে ভিক মাগন্তু বলে? আনসর হব নো, আমি কেবে চাইবা না, কাহিকি চাইবা না, কেন ভিক মাগিবা দ্বারা লোকর সিনা ভোক সিনা পূরণ হইপারে, পেটকু সিনা তাকে খাইয়াকু মিলিপারে, কিন্তু এ দ্বারা তার কেবে বিকাশ হব না। আউ জন যদি ভিক মাগুচি তো সেটা ইনডাইরেক্টলি সে দেশের ইকোনোমি কেতে খারাপ, সে দেশের সিস্টম কেতে খারাপ তাহা আমি অনুমান করে পুছে। সেই লোক মানে ভিক মাগিবা ঠিক নুহে, সমস্ত পরিশ্রম করা উচিত, লোক ধনী ধনী শ্রেণীর লোক মানুষ আমি মোটিভেট করা, যাদ্বারা সে ভিকারী ভাল লোক কাম যোগাই পারে। ঠিক আছে, নেক্সট আসলা কেন ইউ কেন উই হ্যাভ এ সোসাইটি উইথাউট বেগর? আচ্ছা, আমি এমিতিয়া কোণী সোসাইটির স্বপ্ন দেখিপার কি যেউঠার কোণী ভিকারী নথিবে? নিশ্চিত রূপে আমি দেখিপার, তারপরে আমি কম করে পারা নিজে তুমি চিন্তা করব। ঠিক আছে, তো এই ভিডিওর পিলা মানে টোটাল তিনোটি পার্ট অছি, টোটাল তিনোটি পার্ট অছি, এই ভিডিওর আমি পার্ট ওয়ান কু ডিসকস করা। ঠিক আছে, পরবর্তী ভিডিওর পার্ট টু আসবে, তারপরে পার্ট থ্রি আসবে। তো দেখো লাইন বাই লাইন আমি এক্সপ্লেনেশন করা। কাইন্ড স্যার হ্যাভ পিটি, টার্ন ইউর অ্যাটেনশন টু পুয়র হংগ্রি ম্যান, ফর থ্রি ডেজ আই হ্যাভ হ্যাড নথিং টু ইট, আই হ্যাভ নট ফাইভ কপিক্স ফর এ লজিং, আই সোয়ার ইট বিফোর গড, ফর এইট ইয়ার্স আই ওয়াজ এ ভিলেজ স্কুল টিচার, দেন আই লস্ট মাই প্লেস থ্রু ইন্ট্রিজিউস, ইট ইজ এ ইয়ার না সিন্স আই হ্যাভ হ্যাড এনিথিং টু ডু। এই কথাটি ভিকারী কইছি মিস্টার সজেঙ্গু, যে কি জনে উকিল বা আডভোকেট অটান্তি। তো ভিকারী কুচি কাইন্ড স্যার দয়া করতু, হে পিটি মো উপরে টিকি দয়া করতু স্যার, টর্ন ইউর অ্যাটেনশন আপনার ধ্যান এই গরিব লোক উপরকে টিকি আনন্তু, যে কি বহু দিন হল খাই না ভোকিলা হয়েকি অছি, ফর থ্রি ডেজ তিন দিন হল আই হ্যাভ হ্যাড নথিং টু ইট, মো পাখে কিছু না খাইবা পাই, আই হ্যাভ নট ফাইভ কপিক্স ফর এ লজিং, লজিং অর্থ হচ্ছে ঘর ভাড়া নাই রইবা, কপিক্স হচ্ছে গোটে পয়সা, রুষিয়ার যে ছোট ইউনিট্র পয়সা কপিক্স বলে কুয়া যায়, বড় ইউনিট কু রুবেল বলে কুয়া যায়। ঠিক আছে, বড় ইউনিট কু রুবেল কুয়া যায়, ছোট ইউনিট কু কপিক্স বলে কুয়া যায়, যিনি ভারতের এক টঙ্কা যিনি শহে পয়সা আটে পয়সাটা যিনি গোটে ছোট ইউনিট টঙ্কা হচ্ছে বড় ইউনিট, সে প্রকার মো পাখে ফাইভ কপিক্স মধ্যে না লজিং রহা পাই, আই সোয়ার ইট বিফোর গড, ভগবান আগে মু ভগবান রাণ খাই কুচি মু যা কুচি সত কুচি, ফর এইট ইয়ার্স আঠ বর্ষ হল আই ওয়াজ এ ভিলেজ স্কুল টিচর, আঠ বর্ষ পর্যন্ত মু গোটে স্কুল টিচর থিলি, দেন তাপরে আই লস্ট মাই প্লেস মু মোর জব হরাই দেলি থ্রু ইন্ট্রিগিউস, ইন্ট্রিগিউস অর্থ হচ্ছে কু প্ররোচনা, মানে কিছু লোক মানে মো এগেনেস্টে কিছু প্লান কলে, নেগেটিভ প্লান কলে মতো মো পদবীর বাহার করা, তো সে কু প্ররোচনার মু ফসিগলি আর জব কু হরাই দেলি, ইট ইজ এ ইয়ার নাও সিন্স আই হ্যাভ হ্যাড এনিথিং টু ডু, এই বর্ষ মো পাখে আর এমনি কিছু কাম না যা করে পারি আর নিজের গুজরাণ মেটাই পারি, তো দয়া করে স্যার মতো কিছু খাইবা দিও নয় পয়সা দিও। দ আডভোকেট সর্জাই, এ সময় আডভোকেট যে সর্জাই লে লুকড এট দি অনৌলে এট দি রেড ফন কলর্ড ওভরকোট অফ দি সপ্লিয়েন্ট, এট ইজ ডল ড্রঙ্কেন আইজ, এট দি রেড স্পট অন এই দর চিক, এন্ড ইট সিমড টু হিম আজ ইফ হি হ্যাড সিন দিস ম্যান সমওয়্যার বিফোর। তো আডভোকেট সর্জাই লুকড চাহি রয়েছি সেই ভিকারী কু, সে ভিকারী জনক যে প্রকার যে অখা রূপক পোশাক যে পিঁধি লা তা সহ ফন কলর ওভরকোট, গোটে ওভরকোট পকাই লা যেটা কি ফিকা বাদামি রঙ লা, সপ্লেন্ট অর্থ হচ্ছে ভিকারী, সপ্লেন্ট অর্থ হচ্ছে সেই যে ভিকারী জনক যে কি অখা রূপক কিছু পোশাক পিঁধি লা, গোটে ওভরকোট পিঁধি লা যার রঙ টিকি ফিকা ব্রাউন কলর লা, তা সহ সে যে ভিকারী জনক বহুত ডল দেখা যাও লা, বহুত নিরস দেখা যাও লা, মধুয়া আখি তার আখি গুড় মধুয়া আখি ভাল লাগু লা, তা সহ এট দি রেড স্পট অন এইদর চিক, তার গালরে রঙর কিছু স্পট লাল কলর কিছু স্পট মধ্যে পড়ি লা, এন্ড ইট সিমড টু হিম এ লাগু লা, ইট সিমড টু হিম সর্জিং কু লাগু লা যে ইফ হি হ্যাড সিন, যে সে দেখিছেন এই লোক কু সময় বিফোর, আগর কোড়ে এই লোকটা কু দেখিছেন, সেই টাইপর ফিল হয়েছি। আই হ্যাভ নাও হ্যাড আন অফর ফর এ পজিশন ইন দা প্রোভিন্স অফ কালুঙ্গা, তারপরে সে ভিকারী জন কুচি, এটা মেন্ডিকেন্ট, মেন্ডিকেন্টর হচ্ছে ভিকারী, সে ভিকারী জনক কই চালছি যে কোণ কই চালছি, আই হ্যাভ নাও হ্যাড আন অফর, মো পাখে গোটে অফর অছি অফ এ পজিশন ইন দা প্রোভিন্স অফ কলুঙ্গা, প্রোভিন্সর অর্থ হচ্ছে রাজ্য, কলুঙ্গার অর্থ হচ্ছে কলুঙ্গা, কলুঙ্গা রাজ্যের
गोटे भल अफर मो आसी बोली से भिकारी कही चलती। तो भिकारी आज कहूँ बट आई हैव नॉट द मनी कि मो पाखे टंका ना टू गेट देर से जो कालुंगा सहर को कालुंगा राज्य को जीवापी मो पाखे पैसा ना जहाँ से जो मोर मो पाखे जो भल अफर अच्छी भल कमर ता मुझारि कि मो पाखे टंका ना हेल्प मी कैंडली दयाकर मत साय करूँ आई एम एसेम्ड टू आस्क एसे मत लज्जित फिल करवा लज्जाबोध फिल करवा मुझे निजे लज्जाबोध फिल कर टू आस्क कह आई एम ओब्लाइज टू माई टू बै सर्कमस्टेन्स कि कौन करी मुझ बाध्य अटे मोर परिस्थिति को नहीं टू बै सर्कमस्टेन्स सर्कमस्टेन्स हूँ परिस्थिति मोर जो परिस्थिति अच्छी से परिस्थिति को नहीं बहुत लज्जित अटे कि आप कृतज्ञ रही जी आप मत साय करेंगे किसी टंका देदेवे जहाद्वारा मुझे कालुंगा प्रोविन्स को जापरि आज से मत जो अफर मिली जब्र अफर मिली मुझारि ए समय सर्जेस जी आडभकेट अटंती सर्जेस आईस फेल ऑन द मेन्स ओवरशो वन ऑफ व्हिच वाज हाई एंड द अदर लो ही सडनली रिमेम्बर समथिंग तो सर्जेस देखिले से लोकर ओवरशो ओवरशो अर्थ हूँ जोता जो भिकारी जनक जो जोता पिंधा जो जोतार आकार तार पादर आकार बड़ा से ओवरशो को जमी देखी सर्जेस वन ऑफ व्हिच वाज हाई तो जो जोतार गोटे जोता बड़ा आउ जोता छोटा से जोता को जमी देखी हि मीन से सर्जे सडनली रिमेम्बर किसी मन पकई पारे जोटा कि से मन पकड़ चेस्टा कर मन पड़ जाइए मिस्टे सर्जे कहते लुक योर तो सर्जे भिकारी कहते लुक योर इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोबिया स्ट्रीट हि सेड बट यू टोल्ड मी देन दैट यू आर ए स्टूडेंट हू हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर डू यू रिमेम्बर तो सर्जे कौन भिकारी को लुक योर हे भिकारी मत भलसे देखे इट सीम्स टू मी मत लगुच आई मेट मुझे भेटी द डे बिफोर गोटे दिन पूर्व मुझे भेटी द डे बिफोर यस्टरडे अत गत काली पूर्व बोले पदिन तेज भेटी सदोबिया स्ट्रीट तेज भेटी कि से समय तू कौलु बट यू टोल्ड मी तू कौल यू वेर ए स्टूडेंट जे तू गोटे स्टूडेंट थी हु हैड बीन एक्सपेल्ड जहाँ को स्कूल तड़ दे एक्सपेल करार अर्थ हूँ तड़देव जहाँ को तड़ दे नॉट ए विलेज स्कूल टीचर तो स्कूल टीचर बोलते से नु डू यू रिमेम्बर तू मन पकई पार्छु कि बोली मिस्टर सर्जे भिकारी को कहले ए समय भिकारी कौच ना न ना ना दिस् के नट बी सो एम तो हो पार के मामल द बेगर ए समय बेगर जनक बड़ द्वंद्वर सह धीर पार्टी नो नो इट दैट कैन नॉट बी सो एम पार ना बोली से कही टेके नाई बेग ए समय से पछु पलि पछु आस आई एम ए विलेज स्कूल टीचर मुझे गोटे स्कूल टीचर अटे एंड इफ यू लाइक जब आप चाहूँगी आई कैन शो यू माई पेपर तेज मुझे मोर पेपर मत देखे पारि जो मुझे स्कूल टीचर कि ना मिस्टर सजय कौन हेव यू डन ओथ लाइन हेव डन ओथ लाइन यू कल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट एंड इवेन टोल्ड मी दैट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर डोंट यू रिमेम्बर हेव यू डन सरी हेव डन ओथ लाइन तू मिछ कहार अभ्यास पड़ जाइ हेव डन ओथ लाइन अर्थ हूँ मिछ कहार अभ्यास तू पड़ जाइ यू कल्ड योर सेल्फ तू निजे निजे कहूलु गोटे स्टूडेंट बोली आउ कहीलु मतलब तते स्कूल तड़ दी जाइए तू यहाँ मन पकई पार्नु बोली सर्जे कही भिकारी को सर्जे फ्लूसड सर्जे समय अत्यधिक परिमाण रागि जाइंट एंड टर्नड फ्रम द रेगड क्रिएचर विथ एन एक्सप्रेसन अफ डिस्कस्ट एक्सप्रेसन अफ डिस्कस्टर अर्थ हूँ विरक्तिकर हो रागि जा तो रागि जा मिस्टर सर्जे पूरा प्रबल रागिले आगर एक्सप्रेसन सहित ता मुहर आड़ से निजे निजे बुलेदे तो निजे सर्जे टी घुंचले मुह ठारे दूरेगले रागिक कहले प्रकार गोटे क्रिएचर गोटे खराब क्रिएचर गोटे भिकारी क्रिएचर गोटे मिछ क्रिएचर बोली घर्षणा कर सर्जे कौन दिस इज डीन अनेस्ट दिस इज डीन अनेस्ट माइ डियर सार हि क्राइड एंग्रिली तो मिस्टर सर्जे रागिक कहले मिस्टर डियर सार तो भिकारी कह डियर सार बोली कहते यह बहुत डिसअनेस्ट अटे बहुत असाधु अटे दिस इज स्विल्डिंग आई शाल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम यू दिस इज स्विल्डिंग स्विल्डिंग था ठकामी दिस इज स्विल्डिंग अर्थात तू जो करूछ यह ठकामी अटे आई शाल सेंड द पुलिस मुलिस डाकबी तेत बांधिकी नहींजी डेम यू धिक तो जीवन धिक बोली मिस्टर सर्जे से भिकारी को कहते तार भिकारी जन कहि मिस्टर सर्जे को सार
He said, भिकारी कहला लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट निजर हाथ को से भिकारी जनक निजर हाथ को निजर छाती पाखे रखी कहते द फैक्ट इज आई वाज लाइंग आज्ञा बास्तव कथा होगा मुझ कौच आई एम नेदर ए स्टूडेंट मुझे गोटे स्टूडेंट ना कि कौन से स्कूल टीचर मत ना ऑल दैट वाज फिक्शन से सब जाक मनगढ़ा कहानी अटे ऑल दैट ये सब जिन फिक्शन अटे बोले मनगढ़ा कहानी अटे फॉर्मरली आगुरु आई सैंग मुझे गीत गाँवी इन ए रशियन चोर चोर अर्थ हो गए दल रशियान अर्थ रशिया रशिया गोटे म्यूजिकल गोटे जो जो अर्केस्ट्रा था जो थे कि स्टेज पड़ी आ स्टेज रे किसी लोक गीत गाँव ना डेन्स भी करा हूँ रशियान चोर अटे तो मुझे गोटे रशियान चोर रे थी गोटे मेम्बर थी आठ मुझे गीत गाँवी एंड वाज सेंट अवे फर ड्रंकने जेहेतु मुझे अत्यधिक मद पीली तेनाली मत से दल रू बाहर कर दिगला बट ह्वाट एल्स कैन आई डू कि मुझे कौन कर आई कैनट गेट एलंग विथआउट लाइन जदि मुझे न कहि तेज मत कहीं मत खाइबा देवे ना तेणु मिछ कह बाध्य नो वन विल गिव मी एनिथिंग कहीं मत मत किसी देवे ना व्वेन आई टेल द ट्रुथ मुझे सतकता कह मत किसी देव ना ह्वाट कैन आई डू मुझे बोली भिकारी जनक प्रश्न कला तो मिस्टर सर्जन कहते ह्वाट कैन यू डू तू कौन करू यू आस्क टू ह्वाट यू कैन डू तू निज निजे पचारे तू कौन बापरु कमिंग क्लोज टू हिम ए समय मिस्टर सर्जे से भिकारी पाखापाखि गले कहे वार्क तू कम करू दैट इज ह्वाट यू कैन डू जोटा कि तू करू यू मस्ट वार्क तू कम करवा निहाती दरकार बोली मिस्टर सर्जे कहले ह्वाट ये आई नो दैट माइ सेल्फ बट व्वेर कैन आई फाइंड वार्क तो इस समय से भिकारी जन कौन कौन हाँ 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 मुझे कम करें आई नो दैट माइ सेल्फ मुझे निजे जाने बट व्वेर कैन आई फाइंड वार्क कम मुझे खोज खोजिकी पाइबी जो कम करी हाउ वुड यू लाइक टू चप वुड फॉर मी तो मिस्टर सजय कहते हाउ डू लाइक तू तू पसंद करू कि तू चप अत काटा वुड फॉर मी मोबाइल काठ हाणवा को तू पसंद करू कि तू राजी अच्छु कि समय भिकारी कहे आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू दैट हाँ मुझे कम करने को मना करूनि बट इन दिस डेज कि दिन मानक इवेन स्किल्ड वुड कटर दक्षता थी काठ कटाड़ी मैंने कम पा ना आने सीटिंग विथआउट ब्रेड खाया मिलूनी मत बा किए काठ आने दब तो कथा से चेंज करने भिकारी चेस्टा कर कम करा इच्छा ना कि विशेष सब्जेक्ट कहते हैं विल यू कम एंड ए चप वुड फॉर मी तू आग क मो सहित मो घर को जाकर काठ आनी पार कि तो भिकारी कहते ये सार हाँ सार मुपरि विशेष सब्जेक्ट कौन भेरी वेल ठीक अच्छे वी विल सून फाइंड आउट ताल तो पाई जथा शीघ्र सब सब काम खोजा आ तू काम पाई ए प्रकार पिला माने फास्ट पार्ट रो सरी यार कंप्रेंशन चेक आसला ए कंप्रेंशन चेक को आम कौन करवा पूरा पाठटा सरला जी कंप्रेंशन अच्छे आम गोटे भिडियो डिस्कस करवा ठीक अच्छे तो पिला माने पार्ट टी किपर लगेगा निहत समस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करी भल लगे निहत गोटे लाइक करदेव और निजर समस्त फ्रेंड्स को शेयर करो ठीक अच्छे तो चल समस्त थैंक यू सो मच।